ओम श्री गणेशाय नमः। जय माता दी। स्वागत है दोस्तों, आप सभी लोग एक बार फिर से हमारे चैनल चमकती के संदवेद पंडित, आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम हर रोज आपको अपने चैनल पर कुछ ऐसे उपाय बताते हैं जिन्हें अपने जीवन में अपनाने से आपको आपके कार्यों में सफलता मिलती है। जी हाँ दोस्तों, हम हर रोज माँ गर्जिया देवी जी से आपके और आपके परिवार की कुशलता और सफलता के लिए प्रार्थना करते हैं और उम्मीद करते हैं आप लोग अपने परिवार के साथ एक अच्छा जीवन यापन कर पाएंगे। दोस्तों, आज हम आपको धन प्राप्ति के कुछ ऐसे सरल और अचूक उपाय बताने जा रहे हैं जिन्हें करने मात्र से आपकी जेबें भर जाएंगी। जी हाँ, खाली जेब भी जाएंगी भर। ये कुछ उपाय हैं जो माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए ज़रूरी हैं और सरल हैं। लेकिन जिससे पहले हम आगे बढ़ें, हम आपसे कहना चाहेंगे, यदि आप पहली बार हमारे चैनल चमकती किस्मत पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर करें, जिससे कि जिन लोगों को भी इस महत्वपूर्ण जानकारी की ज़रूरत है वह भी इसका पूर्ण लाभ उठा सकें। दोस्तों, अब हम अपने विषय पर पुनः वापस आते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इन सभी उपायों करने से आपकी धन संबंधी जितनी भी परेशानियां हैं वह सब देखते ही देखते समाप्त हो जाएंगी। इनमें से सबसे पहला जो उपाय है वह आपको दालचीनी के साथ करना है। आपको पिसी हुई दालचीनी यानी दालचीनी का पाउडर लेना है और उस पाउडर के ऊपर अगरबत्ती जलाकर अगरबत्ती को घड़ी के विपरीत 7 बार घुमाना, यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में 7 बार दालचीनी के पाउडर के ऊपर घुमाना और फिर इस पाउडर को तिजोरी और पर्स पर भी छिड़क लें। बचे हुए पाउडर से भी दो तीन बार यही प्रक्रिया करें। इससे आपके घर में कभी भी धन की समाप्ति या धन की कमी नहीं होगी। ये बेहद कारगर उपाय है। अब हम आपको झाड़ू के कुछ उपाय बताने जा रहे हैं। झाड़ू को माँ लक्ष्मी के ग्रह लक्ष्मी स्वरूप का ही एक रूप माना गया है, इसलिए झाड़ू भी माँ लक्ष्मी को बेहद प्रिय है। आपको करना यह है कि शुक्रवार के दिन आपको किसी भी माँ लक्ष्मी के मंदिर जाना है और नई झाड़ू का दान करना है और इसी के साथ कनक धारा स्रोत का एक पाठ भी करें और अशोक जो पेड़ होता है उसकी जड़ पर गंगा जल डालें और उसके बाद उसकी जड़ को लाकर तिजोरी में रख दें। इससे आपके घर में हमेशा धन बना रहेगा और धन के नए नए मार्ग भी खुलेंगे। तीसरा उपाय धनिया से जुड़ा हुआ है। आपको शुक्ल पक्ष के गुरुवार या फिर मंगलवार को मिट्टी के बर्तन में धनिया और 21 रुपए के सिक्के डाल उत्तर दिशा में रखें और जल लगातार डालते रहें। जब धनिया उग जाए तो उसको उपयोग में लाएं और सिक्के को एक साफ लाल कपड़े में बांधकर ऑफिस में मुख्य द्वार पर लटकाएं। इससे माँ लक्ष्मी का आगमन होगा और आपके घर में सारी नकारात्मक ऊर्जा भी समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, ये तीनों उपाय बेहद सरल और कारगर हैं, लेकिन याद रखें, उपाय करने के बाद आप किसी को बताएं ना, गुप्त रखना भी आवश्यक है, अन्यथा यह विफल भी हो सकते हैं। अगर ये वीडियो इसमें दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल चमकती किस्मत को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। दोस्तों, अब हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय माता दी, धन्यवाद।